जब किसी देश का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ता है तो उसके नागरिकों का सामर्थ्य बढ़ता है, उसके नागरिकों की कमाई बढ़ती है। जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो गरीबों पर खर्च करने के लिए देश के पास पैसे भी ज्यादा आते हैं। इसलिए आज का ये समय कांग्रेस से सबसे ज्यादा सावधान रहने का है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो एक समाज को दूसरे से लड़ाकर कुर्सी कब्जा करने का खेल खेलती है। कांग्रेस के लिए देश का विकास जरूरी नहीं, राज्य का विकास जरूरी नहीं। कांग्रेस के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ ही जरूरी है। और कांग्रेस का हाल देखिए, 2014 तक जब देश में उनको 10 साल लोगों ने मौका दिया था, आपको पता ही नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम। क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट थे। लेकिन एक कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। नाम मात्र के रख दिए हैं उनको। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती हैं। मैंने कहीं पढ़ा, कल उन्होंने पांडवों को याद किया था, जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने ये कहा, भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं, इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है।